हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप लोग पीटीटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आप लोगों के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स के कुल 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि आप लोगों की जो तैयारी है वो काफ़ी बेहतर है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताने हैं और अपना स्कोर भी शेयर करना है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा, 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर नहीं किया तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान के पैरा एथलीट भाला फेंक देवेंद्र झाझड़िया अब कितने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं? 1, 2, 3, 4। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। राजस्थान के पैरा एथलीट भाला फेंक देवेंद्र झाझड़िया अब कितने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं? तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2 स्वर्ण पदक ये जीत चुके हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। पैरालंपिक भाला फेंक F40 वर्ग में 2 स्वर्ण एथेंस 2004 और रियो 2016 और 1 रजत टोक्यो 2020 पदक जीतने वाले झाझड़िया को मंगलवार को पद्म भूषण सम्मान के लिए चुना गया। इस वर्ष पद्म भूषण पाने वाले वह अकेले खिलाड़ी हैं, उन्हें 2012 में पद्मश्री मिला था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राजस्थान पुलिस महानिदेशक जेल पद पर राजीव दासोत के सेवानिवृत्ति होने से रिक्त स्थान पर किसे पदोन्नत किया गया? आपके ऑप्शन है राजेंद्र सिंह, अशोक चौधरी, भूपेंद्र दत्त, महेंद्र राणावत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूपेंद्र तक। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। राजीव दासो सेनावर्ती हो गए हैं। राजकीय कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार भूपेंद्र कुमार दक को सरकार ने पदोन्नति का तोहफा भी दिया है। दक एडीजी वेतन श्रृंखला से महानिर्देशक पुलिस वेतन श्रृंखला में पदोन्नत हुए। डीजी जेल बनने से पहले दक की एडीजी पुलिस मुख्यालय पर पोस्टिंग थी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत किन लोगों को राहत पैकेज प्रदान किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है अनाथ बच्चों को, विधवा महिलाओं को, कोरोना के कारण परिवार का मुखिया खोने वाले परिवारों को, या फिर उपयुक्त सभी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोरोना के कारण परिवार का मुखिया खोने वाले परिवारों को। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। प्रदेश भाजपा ने कोरोना महामारी के दौरान कोरोना के कारण घर के मुखिया खोने वाले परिवारों को प्रदेश सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने एक बयान जारी कर प्रदेश सरकार से यह मांग की है कि सरकार राज्य में जल्द से जल्द ऐसे परिवारों को चिन्हित कर यह सहायता पहुंचाए। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राज्य सरकार ने किस कंपनी को भिवाड़ी में भूमि देने का प्रस्ताव दिया है? आपके ऑप्शन है क्रियन एंड एनर्जी, कोटा कंपनी, जेट्रो कंपनी, टेस्ला कंपनी। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टेस्ला कंपनी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। ग्लास कंपनी फ्रांस की सेट गोविन ने भिवाड़ी स्थित अपने प्लांट में 1100 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया है, जिसके बाद भिवाड़ी नहीं नहीं बल्कि राजस्थान ग्लास फ्लोट सीधे शीशे के क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्र बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जोधपुर की किस महिला को रियल शेरनी ऑफ इंडिया का टाइटल मिला है? डॉक्टर विद्या भारती, डॉक्टर कृति भारती, डॉक्टर अनुला मौर्य, डॉक्टर हिमा अवस्थी। सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर कृति भारती। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। कृति भारती को रियल लाइफ सेरनिच ऑफ इंडिया टाइटल से नवाजा गया। जोधपुर जागरण संवाददाता नामचीन अभिनेत्री विद्या बालन अभिनीत सेरनी मूवी की
लॉन्चिंग में जोधपुर की पुनर्वास मनोवैज्ञानिक एवं सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर कृति भारती को रियल लाइफ सिरनीज ऑफ इंडिया टाइटल से नवाजा गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा राज्यपाल की बायोग्राफी पर आधारित कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण किया जा रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कलराज मिश्र, निर्मित मात्र हूं मैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र की बायोग्राफी पर आधारित कॉफी टेबल बुक कलराज मिश्र निर्मित मात्र हूं मैं का लोकार्पण बृहस्पतिवार को राजभवन में हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण किया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान को 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है? रणथंबोर, मुकुंदा, सरिस्का, रामगढ़। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रणथंबोर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। कोरोना के चलते 69 दिन रणथंबोर नेशनल पार्क में पर्यटन गतिविधियां बंद रहीं। 25 जून को राज्य सरकार के आदेश के बाद मात्र 6 दिन के लिए नेशनल पार्क को पर्यटन के लिए खोल दिया गया। अब एक बार फिर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के लिए रणथंबोर पार्क बंद हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राजस्थान के नए जेल महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन है आपके भूपेंद्र सिंह यादव, भूपेंद्र कुमार दत्त, एम एल लाठर, राजीव दासोत। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भूपेंद्र कुमार दत्त। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी भूपेंद्र कुमार दत्त को बुधवार को राजस्थान का नया कारण महानिदेशक डीजी जेल नियुक्त किया गया। दक ने इस पद पर राजीव दासोत की जगह ली है जो बुधवार को सेवानिवृत्ति हुए। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का जन्मदिवस मनाया गया, वे राजस्थान के कौन से राज्यपाल हैं? 15वें, 25वें, 21वें, 41वें। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 21वें राज्यपाल है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। कलराज मिश्र भारतीय राजनीतिक तथा वर्तमान राजस्थान के राज्यपाल हैं। वे पूर्व में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल एवं 16वीं लोकसभा में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2014 में वे उत्तर प्रदेश की देवरिया सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर निर्वाचित हुए थे। कलराज मिश्र ने राजस्थान के नए राज्यपाल के रूप में 9 सितंबर 2019 को शपथ ग्रहण की। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत कब की जाएगी? 15 अगस्त 2021, 2 अक्टूबर 2021, 14 नवंबर 2021, 1 दिसंबर 2021। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2021। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अभियान के अंतर्गत राजस्थान सरकार के 22 विभागीय ऑफिसर मौजूद होंगे तथा गांव में ही हो रही समस्याओं एवं व्यक्तिगत समस्याओं को तुरंत निवारण दिया जाएगा। इसी के साथ अभियान को 2 अक्टूबर 2021 से शुरू कर 17 दिसंबर 2021 तक जारी रखा जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा इसी अभियान को शहरों में भी 22 विभागों द्वारा शुरू कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।